हेलो एवरीवन, क्या हाल आप सबका। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो ये वीडियो बेसिकली टूरिज्म के कारण है। फर्स्टली स्केचुअन में दो पीजी कोर्सेज में सीट्स अवेलेबल हैं। अप्रॉक्स 36 स्टूडेंट्स को एक्सेप्ट करेंगे। कोर्स है बेसिकली पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड पीजी टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट के सर्टिफिकेट प्रोग्राम। सो अगर आप पीजी से पहले इन्फॉर्मेशन चाहिए थी आपको तो यही थी। बाकी जो सेकेंड रीजन था बेसिकली एक्सेप्टेंस के ऊपर था। मोस्टली मुझे बहुत बार बच्चों को आप सबको कंफ्यूजन रहती है कि भाई कौन से कोर्स में कौन जा सकता है, कैसे रिलेवेंसी मेंटेन करनी। तो आज उन्होंने मैसेज मेल से भेजी थी, मैं सेम मेल नीचे आपके साथ शेयर भी कर देता हूँ और आपको बता देता हूँ। सो द थिंग दे आर टेलिंग इज कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट में कोर्स में पहले शुरुआत करते हैं, उसमें जो स्टूडेंट एक्सेप्टेड हैं जो अप्लाई कर सकते हैं वो बेसिकली बैचलर्स डिग्री में बिजनेस वाले या फिर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम यू एन यूर अप्लाइंग एंड यू हैव अ बिट ऑफ आइडिया कि हमें कौन से मैंने की हुई, मैंने बिजनेस वाला हूँ, मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, तो मैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट में अप्लाई कर सकता हूँ। इट इज मच मोर रिलेवेंट, राइट। सो सेकेंडली इज एक और प्रोग्राम था पीजी टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट का सर्टिफिकेट डिप्लोमा। ठीक है, उसमें उन्होंने एक एग्जाम्पल लिस्ट भेजी थी कि हाँ सर कौन से कोर्सेज में जा सकते हैं। आपको मैं जो बताई देता हूँ नीचे लिख भी दूंगा, आपको मिल भी जाएगी। सो लिस्ट इज काइंड लाइक बैचलर्स इन इन्फॉर्मेशन टेक। ठीक है, एज पर प्रोग्राम यानी सेम प्रोग्राम के बीच में बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, बैचलर इन इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बैचलर इन टेक्नोलॉजी इन कंप्यूटर साइंस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सो नेक्स्ट टाइम यू हर्ड अब कोर्स लाइक पीजी इन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट सर्टिफिकेट या फिर इसके रिलेटेड आपको लगे तो ये कोर्सेज जो मैंने आपको बताए हैं काफी हद तक रेलिवेंट अप्लाई करने के लिए। और सेम सप्लाई चेन में इंजीनियरिंग और बिजनेस बैकग्राउंड वाले आप अप्लाई कर सकते हो। इट इज मच मोर रेलिवेंट, राइट। सो इट बेसिकली मेरे जस्ट एक आइडिया ओवरव्यू देने के लिए थे कि हम कैसे आप कोर्स चूज कर सकते हो। एंड सेकेंडली अगर आप में से कोई मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो नहीं कर रहा तो प्लीज वहां पर जरूर फॉलो करें। वहां पर बेसिकली मैं जो इंस्टाग्राम स्टोरी पर बाकी कुछ शेयर करता रहता हूँ, पोस्ट नहीं ज्यादा कर पाता, बट मैं स्टोरी में क्वेश्चन सीकर डाल देता हूँ तो बच्चे पूछते रहते हैं। ऑन डेली बेसिस जो मुझे होता है कुछ पता लगता है, आई फील लाइक इट्स वर्थ शेयरिंग, इट्स वर्थ इन्फॉर्मिंग यू, तो मैं कोशिश करता हूँ जब भी मुझे टाइम लगे आपके साथ शेयर करने की। तो जरूर फॉलो करिए, अपने क्वेश्चन भी पूछ लिया कीजिए, उन्हें जब भी दिन में टाइम लगता है उनको आंसर कर देता हूँ। यहाँ पर कमेंट सेक्शन ऑफ रहता है, रीजन इज लाइक कि यार आंसर नहीं कर पाता, बहुत इनरेलीवेंट से क्वेश्चन होते हैं एंड वहाँ पर बेसिकली मैं सिलेक्टेड क्वेश्चन आंसर कर पाता हूँ जो हेल्पफुल भी रहते हैं, और मैं हाईलाइट ये भी कर देता हूँ ताकि आपकी कुछ मदद कर सके। तो जरूर आई रिक्वेस्ट कि प्लीज वहाँ पर जरूर फॉलो कीजिए, काफी वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन होती है। ये मैंने कहा था, बच्चों ने मुझे रियलाइज करवाया कि हाँ मैं कुछ वैल्यूबल दे रहा हूँ। जस्ट मैंने तो वैसे क्वेश्चन आंसर करने के लिए शुरू किया था बट दे कुछ काफी सेटिस्फाइड रहे हैं, तो मुझे लगा कि ना भाई आप भी थोड़ा फायदा उठा रहे हैं इसका, तो जरूर फॉलो कीजिएगा। बाकी अगर आपको वीडियो ठीक लगी हो, कुछ हेल्पफुल रही हो इन्फॉर्मेशन आपके लिए, तो चैनल लाइक कर दीजिएगा। एंड अगर ठीक लगा तो अगर सब्सक्राइब नहीं किया होगा आप हमारा चैनल आपने, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिएगा अगर आपको अच्छा लगा तो। ठीक है, बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।